हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमेश शर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आपको इस टेंस की हिंदी पहचान बताता हूं। इस टेंस को हिंदी में पहचानने के लिए हम देखेंगे कि किसी भी वाक्य के अंत में हमें से रहा है, से रहे हैं, से रही है जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। जैसे माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है, सुबह से दे रहा है। इंग्लिश में इसकी जो पहचान है वो है, इसमें हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन, हैव बीन के साथ विमुन प्लस एनजी का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और आई और यू के साथ भी हम हैव का प्रयोग करेंगे। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखने इसको देखिए, सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन दिखाता हूं। यहां पर ये हमारा है पास्ट और ये है प्रेजेंट। इस टेंस के अंदर क्या होता है, कोई भी कार्य वो पास्ट में शुरू होता है तथा पास्ट में ही वो कार्य कुछ समय के लिए जारी रहता है। ध्यान सुनना, कार्य पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कुछ समय के लिए हमारा कार्य जारी रहा और वो कार्य अब तक चला, अप टू प्रेजेंट, अब तक वो कार्य चला और प्रेजेंट में भी वो कार्य हमें पता है कि कुछ समय के लिए जारी है। ठीक है, ध्यान सुनना, कार्य पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ समय के लिए चला, प्रेजेंट तक पहुंच गया, यानी कि वो कार्य जो है अभी तक भी जारी है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। मैं थोड़ा आपको इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से भी कंपेयर करता हूं, कहीं आप लोग उसमें कंफ्यूज ना हो। जब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो कार्य है वो पास्ट में ही शुरू होता है और वो कुछ समय पास्ट में चलता है और पास्ट में ही समाप्त हो जाता है, वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंच पाता। ये इनकी पहचान है। अब आप इसको पहचानें कैसे, इस टेंस के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी क्लोज दी होती है जो हमें प्रेजेंट और पास्ट का बोध कराती है कि यहां पर जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा उसमें क्लोज पास्ट टेंस की लगी होगी और प्रेजेंट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक क्लोज प्रेजेंट टेंस की लगी होगी, जो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब देखना इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हम इसको सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं, फिर हैज या हैव के बाद लगाते हैं बीन, उसके साथ बीन प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर वाला टाइम, सिंस या फॉर, उसके बाद हम लगाते हैं टाइम। अब समझने की बात यह है कि हम सिंस का प्रयोग कहां पर करते हैं और फॉर का प्रयोग कहां पर करते हैं। जहां पर हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी कोई भी गिनती आ जाए, कोई भी काउंटिंग आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ जाए ऐसा, इसको हम गिन सकते हैं, दैट्स कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। 10 मिनट से, 10 घंटे से, 2 साल से, 3 वर्षों से, 3 सप्ताह से, जिसमें भी हमारी काउंटिंग आ जाए उसके साथ हम लगाते हैं फोर। केवल हमने ध्यान रखना है कि वो काउंटिंग एएम, सन और ओ क्लॉक के साथ नहीं होनी चाहिए। जैसे 6 AM, 10 o'clock, 1969, ये भी हमारी काउंटिंग में आता है, बट ये एक्सेप्शन है, इनके साथ कभी फोर नहीं आएगा। इन तीन चीजों को छोड़ दो, एएम, पीएम, क्लॉक और सन, इन तीन चीजों को छोड़ दो, बाकी सब साथ क्या लगेगा, हमारा फोर लगेगा, जितनी भी हमारी काउंटिंग है। बस आपने मोटा ध्यान रखना है कि आपको काउंटिंग दिखाई दी तो आपने फोर लगा देना है, अगर काउंटिंग नहीं है तो सिंस लगा दो। अगर हम पढ़ी लिखी भाषा में कहें तो ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, जो किसी ड्यूरेशन को दिखाता है, जो किसी अवधि को दिखाता है, दैट्स कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये जो पीरियड ऑफ टाइम है इसके लिए फोर लगाते हैं, और देसी भाषा में कहूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी काउंटिंग उस हम लगाते हैं फोर। कोई भी जो हमारा फिक्स टाइम होता है, 6 AM, 10 o'clock, 1969, सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है हमारा, हर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लगाते हैं सिंस, यानी कि सिंस का यूज हम करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस 6 AM, सिंस 10 o'clock,
सिंस 1969। बस मोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर हमारी काउंटिंग हो तो हमारा होगा पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 4 लगेगा, अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो 6 AM 10 o'clock 1969 ये सन कोई भी इस प्रकार से उनका लगाएंगे सिंस। बस ये आपने दो बातें ध्यान रखनी है, इसमें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं ठीक समझा पाऊंगा। अब देखना इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इज हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हम हैज हैव को लगाते हैं, यहां पर हम हैज बीन और हैव बीन के बीच में नोट लगा देते हैं, हैज हैव के बाद नोट आता है, फिर आता है बीन, उसके बाद यून प्लस एनजी, फिर वही का वही ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। एंड थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, हम जो हेल्पिंग वर्ब का हैज और हैव है उसको पहले लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद यून प्लस एनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, फिर टाइम, और उसके बाद हम लगाते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये था हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। आइए इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहां पर जो सेंटेंस है, द गार्डनर हैज बीन वॉटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। यहां पर क्या है, जो गार्डनर हमारा ये सब्जेक्ट है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस वो एग्जाम्पल है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो है गार्डनर, हैज बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वॉटर वीवन है, इंग वीवन प्लस आईएनजी, द प्लांट्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये सिंस या फोर आ गया क्योंकि यहां पर मॉर्निंग है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है मॉर्निंग, इसका हमने क्या लगाया है सिंस। अब देखिए आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है, मैं थका हुआ हूं, मैं सुबह से मेहनत कर रहा हूं। इसमें क्या है, देखिए सुबह पास्ट में था, वो सुबह मेहनत करने लगा, लेकिन अब तक मेहनत वो कर रहा है, उसका मेहनत करना जारी है, यद्यपि वो मेहनत करता 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 थक चुका है, लेकिन वो अभी भी उसकी मेहनत जो है जारी है, उसका कार्य जो है वो जारी है प्रेजेंट में। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। यहां पर क्या है, आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हैव बीन, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है, वर्क के साथ हमने लगा दिया आई एन जी, हार्ड मेहनत के लिए, सिंस या फोर का प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, इसीलिए क्या हमारा सिंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, ये कहता है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर टू आवर्स, मैं उसकी 2 घंटे से वेट कर रहा हूं, यानी कि 2 घंटे पहले वेट करनी शुरू की थी, अभी तक उसकी वेट जारी है, अभी तक वो उसकी वेट कर रहा है, यानी कि पास्ट में 2 घंटे पहले उसने वेट करनी शुरू की थी, काम तब चालू हुआ था और अभी तक काम जो है वो जारी है, इसीलिए उसको गुस्सा आया हुआ है, ही इज एंग्री, आई एम एंग्री, कह रहा गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी भी, ठीक है ना, गुस्सा आया हुआ उसको अभी भी, तो कहता है मैं उसकी 2 घंटे इंतजार कर रहा हूं, अभी तक नहीं आया वो, तो इससे हमें पता चलता है आई एम एंग्री, ये हमें बताता है कि जो टेंस है, जो सेंटेंस है हमारा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, काम कब शुरू हुआ, लास्ट नाइट, पिछली रात को बरसात शुरू हुई, किसी ने फोन किया कि मौसम कैसा है, यार पिछली रात से बरसात चल रही है, यानी कि पिछली रात को पास्ट में बारिश शुरू हुई थी, अभी तक बारिश कंटिन्यू है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। नेक्स्ट इज ही इज हंग्री, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 आवर्स। अब देखिए यहां पर क्या है, फोर 3 आवर्स, यहां पर 3 जो है काउंटिंग आ गई है, 3 जो है काउंटिंग आ गई है 3 आवर्स 3 घंटे के लिए, यानी पीरियड ऑफ टाइम बताया इसने कि 3 घंटे के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया 4, सिंस या 4 में से 4 इस्तेमाल किया, यहां पर शेष वही है ही हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ही सिंगुलर का सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा हैज बीन आ गया, उसके बाद वर्किंग फॉर 3 आवर्स। अब ये यहां पर ये सेंटेंस क्यों आया, यहां पर जो हमने टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां पर एक क्लोज लगी हुई है, ही इज हंग्री, वो भूखा है, बता रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, वो भूखा है, तो इस और उसे बता रहा है कि वो 3 घंटे से काम कर रहा था, लेकिन अब उसको भूख लग चुकी है, लेकिन काम अभी भी उसका जारी है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग एंड नाउ दे आर टायर्ड, यहां पर क्या कह रहा, वो थक चुके हैं, क्यों थक चुके हैं, क्योंकि वो सुबह से खेल रहे हैं, अभी भी खेल जारी है उनका, सुबह खेलना शुरू किया था, खेल अभी भी जारी है, लेकिन वो थक चुके हैं, वो खेल को छोड़ने वाले, पता नहीं कितनी देर में छोड़ेंगे या कितनी देर में वो खेलना बंद करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अंदर हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए यहां पर सिंस का प्रयोग कहां पर होता है।
since 2 AM, since का प्रयोग since 2 o'clock, since 1969, since Monday, since morning, ये सभी के सभी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है। और ये पॉइंट ऑफ टाइम है ये बताते हैं कि हमने सिस कहां पर लगाना है। जैसे बताया o'clock जो हमारे सन है, मंडे है, मॉर्निंग है, इस प्रकार जो हमारे फिक्स टाइम होते हैं, जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, हम सिस लगाते हैं। और जितने हमारे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं उसमें हम फोर लगाते हैं, फोर टू आवर्स, फोर टेन ईयर्स, फोर फिफ्टीन डेज, ये सभी के सभी पीरियड के बारे में बताते हैं। और जैसे फोर अ वाइल, फोर अ लॉन्ग टाइम, ये किसी भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं, फिक्स टाइम के बारे में नहीं बताते, ये केवल एक पीरियड के बारे में बताते हैं। तो इसलिए वहां पर काउंटिंग लगाते हैं, टू लगाते हैं। इसका एक प्रयोग और है, विद सिस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग। सिस व्हेन Have you been living in this house? यानी कि आप इस घर में कब से रह रहे हो, यानी कि इट मीन आप प्रेजेंट में भी यहाँ पर रह रहे हो। तो यहाँ पर हम सिंस व्हेन लगा के सेंटेंस को बनाते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस। सही देखिए, फोर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, कितने पीरियड से, फोर लगा दिया, कितने पीरियड से, फोर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी हेयर, आप यहाँ पर मेरा कब से वेट कर रहे हैं, फोर हाउ लॉन्ग। अब देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस था, टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमने इसको काफी अच्छे समझने की कोशिश की है। बाकी अभी इसके साथ मैं नेक्स्ट जो वीडियो निकाल रहा हूं वो हमारी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें इसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू। ओके।